नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक इनोवा आया हुआ है। उसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी जब गर्म होता है तो इसका वाल्व छोड़ देता है, जो वाल्व का जो प्रेशर होता है ना छोड़ देता है। तो हमने दो दो डीजल फिल्टर चेंज किया और पूरा असेंबली भी चेंज कर दिए, ताकि हो सकता है उससे प्रॉब्लम हो। उससे भी प्रॉब्लम हमारा नहीं निकला। अब इसमें क्या है कि जब गाड़ी गर्म होता है ना तब दिक्कत करता है, और ठंडा में हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या होता है कि जब तक ले दो बार डीजल फिल्टर को हम पंप नहीं करेंगे तब तक ले गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं होता। तो हम ये डीजल फिल्टर असेंबली भी चेंज कर दिए, ताकि हो सकता है कि इससे क्या होता है कि ये जो पंप करने वाला होता है ना ये लूज हो जाता है, छोड़ देता है। तेल का प्रेस चलते चलते रहेगा, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा कि जैसी गाड़ी आप ठंडा करने के लिए रखिएगा तो तेल का प्रेशर जो है छोड़ देता है। ये तेल जो है ना स्टॉक करके नहीं रखता है, तेल को जो हमारा टान के जो रखना चाहिए ये नहीं रखता, ये छोड़ देता है। तो हमने इसको भी चेंज कर दिए, ताकि हो सकता है इससे भी कुछ प्रॉब्लम हो, इससे भी हमारा बीमारी नहीं निकला। बीमारी हमारा निकला ये देखिए पंप से, ये जो फ्यूल पंप है फ्यूल पंप से हमारा बीमारी निकला है। बीमारी इसमें है कि गाड़ी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक ये तेल का प्रेशर जो है लो कर देता है, और तेल का प्रेशर जब लो कर देगा तो आप मारते रहिए बहुत बार कोशिश कीजिएगा मारते मारते, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। खाली दो बार जो ये पंप को हम मूव कर देते हैं ऐसे करके ना तो हमारा गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसको पंप दूसरा लगा के देखते हैं कि गाड़ी हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं।